हलके असेंबली नामपल्ली में से नो टू ड्रग्स वॉकथॉन का बड़े पैमाने पर अहतमाम किया गया, जिसमें मजली से रुकने असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए झंडी दिखाई। मल्लेपल्ली मस्जिद से विजयनगर कॉलोनी तक ये वॉक मुनक्किद की गई, जिसमें मुकामी पुलिस अफसरान, सोशल एक्टिविस्ट, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नौजवानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रोग्राम में नौजवानों को ड्रग्स से दूर रहने का अहद दिलाया गया और एंटी ड्रग व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। आप जानते हैं कि इससे कई नौजवान इससे मुतासर हो रहे हैं, कई घराने इससे मुतासर हो रहे हैं और कई घराने इससे तकलीफ में भी आ रहे हैं। नौजवान बच्चे इस शौक की चक्कर में क्रिमिनल रास्तों पे आगे बढ़ रहे हैं और इन ये नशे की आदत को पूरी करने के लिए गलत इकदाम ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मैं आपके ज़रिए से यह अदबन गुजारिश ये करता हूँ, बेशक हम इसको ख़त्म करने हम यहाँ पर ठहरे हुए और इंशाल्लाह पुलिस महकमा भी यहाँ पर ठहरे हुआ है। आप अगर देखेंगे तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो अहवाल मुकर्रा है असेंबली के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के, उन्होंने हाल ही असेंबली के सेशन में ड्रग्स के ऊपर अपनी नज़रिया रखा और सख्ती से कहा कि हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस तेलंगाना रियासत को ड्रग फ्री कर सके। उन्हीं के बोले हुए अल्फाज में आज नामपल्ली हल्के में आज हमने ये प्रोग्राम काम किया है और इसकी शुरुआत की है और हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इसमें हम कामयाब हो। मगर मैं एक गुजारिश आप तमाम से और यहाँ पे बैठे हुए तमाम मीडिया चैनल्स के ज़रिए से देखने वाले तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर सिर्फ ड्रग्स के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पे जारी किया है, इसको इस्तेमाल करिए। अगर आपके इलाकों में कहीं पर आपको दिखता है कि वहाँ पर कोई लोग वहाँ पे नशा कर रहे हैं तो फौरी तौर पे इसमें व्हाट्सएप करिए। हम फौरी तौर पे इस व्हाट्सएप को कंसर्न जो पीएस है, कंसर्न जो एसीपी है और कंसर्न जो डीसीपी है उनको भेजेंगे और हम पूरा तौर पे इस पे नजर रखेंगे कि वहाँ पे एक्शन लिया जाए। आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारे आंख बनिए और अगर आप और हम मिलकर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है नामपल्ली को पूरी तरीके से हम ड्रग फ्री कर सकते हैं। Today this is the very biggest issue to every family. Our family without knowledge, our children are addicted to drugs such like ganja, chocolate. Before some days back also, police is finding the ganja chocolate also mixing with ganja about 60%. Don't underestimate, please keep watch on your children, try to avoid the phone while you are in the house, please see your children's way of behavior, way of those are studying, keep your in your house with emotions and with love, don't always say no to drugs. Please raise your hands in the like this manner. Please all our son man say like this, say no to drugs. Sab log ek saath haath udhaakar bolenge say no to drugs along with the honorable MLA saab and all the corporators along with the police officers. All are saying one word, say no to drugs. Say no to drugs. मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत ही आलिशान वॉकथॉन हुआ ड्रग्स कल्चर को खत्म करने के लिए। ड्रग्स फ्री सोसाइटी, ड्रग्स फ्री नामपल्ली के एजेंडे पे हमने ये वॉकथॉन किया, ये मार्च किया। मल्लेपल्ली से लेकर विजयनगर कॉलोनी अलसभा होटल तक ये वॉक हुआ। इसमें हमारे चीफ गेस्ट मोहम्मद माजिद हुसैन साहब यहाँ के MLA थे, हमारे साथ वॉक में थे। इसमें यहाँ पे टॉर्च के साथ हम वॉक किए और यहाँ इस वॉक से हम तमाम नौजवानों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमको इस ड्रग कल्चर को खत्म करना है, ड्रग अवेयरनेस लाना है। एम्स की सर्वे के मुताबिक हर साल 7 करोड़ 20 लाख नौजवान ड्रग्स से मुतल्ला हो रहे और हर महीने 7 से 9 के करीब ड्रग्स की वजह से 700 लोगों की मौत हो रही है हिंदुस्तान में। तो हमको इस ड्रग कल्चर को खत्म करना है, ड्रग अवेयरनेस लाना है। ड्रग अवेयरनेस लाने के लिए, ड्रग कल्चर को खत्म करने के लिए मार्च हुआ नामपल्ली में और
वॉकाथॉन के जरिए से हम तमाम नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि ड्रग कल्चर से दूर हो जाए, और तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि अपने अपने बच्चों पर सख्त नजर रखें, और हम सबको मिलकर इस ड्रग्स को खत्म करने की जरूरत है, इस ड्रग कल्चर को खत्म करने की। हमारा आज का मेन एजेंडा स्टूडेंट्स को लेकर है, स्टूडेंट्स में ड्रग अवेयरनेस ज्यादा, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को बताना कि अपने बच्चों पर नजर रखें, और पेरेंट्स इस चीज को देखें कि कहीं उनके बच्चे इससे मुतला तो नहीं है। तो आप हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे ले जाएंगे, और ऐसे मुहिम, ऐसे वॉकाथॉन, ऐसे ड्रग कल्चर के खिलाफ ऐसे प्रोग्राम होते जाएंगे इंशाल्लाह। आगे डेडिकेटेडली इस चीज को हम फाइट करेंगे बोलते हैं, वो फाइट कर चुके हैं, और इंशाल्लाह इसको आगे भी ले जाएंगे। और जो है 9100171768 ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए से आप कहीं पर भी किसी को भी देखते हैं ड्रग यूज, ड्रग अब्यूज, या कोई ड्रग पेडलिंग हो रही, तो आप वहां का लोकेशन इस नंबर पे, या फिर कुछ स्नैप, कुछ फोटो, या कोई भी एक मैसेज करेंगे, तो इमीडिएट उस स्पॉट पर माजिद हुसैन साहब वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर्स को भेजेंगे, और इमीडिएट वो लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। कंप्लेंट जो भी करेंगे उनका नाम बिल्कुल ही सीक्रेसी में रखा जाएगा।